हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट में संशोधन कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके अपनी मार्कशीट में आपका नाम गलत हो गया है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है और आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तब आप अपनी मार्कशीट में ऑनलाइन संशोधन अपने मोबाइल द्वारा ही कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपके मार्कशीट में आपका नाम गलत है या पिता का नाम गलत है या माता का नाम गलत है, कैसे जो है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां से आपको गूगल में आ जाना है और यहां से गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है MPBSC ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, जब आप MPBSC ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट ओपन होगी, इसी के वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप उस वेबसाइट पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगी। और यह जो वेबसाइट है, यह MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आपको आ जाना है। और इस पर आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन जो दिखेगा वह एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म का दिखेगा, दूसरा जो दिखेगा वह काउंटर बेस्ड फॉर्म का दिखेगा और तीसरा जो आपको दिखेगा वह DLED फॉर्म का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यह जो दूसरा वाला ऑप्शन है काउंटर बेस्ड फॉर्म का, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी मार्कशीट में संशोधन करवाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पांचवें नंबर पर आपको देखेगा डुप्लीकेट ऑब्लिक जो है कि करेक्शन का ऑप्शन दिखेगा कि मार्कशीट माइग्रेशन सर्टिफिकेट में अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे आपका क्लास पूछा जा रहा है कि किस क्लास का जो है कि आपको संशोधन करवाना है, तो आप अपने हिसाब से क्लास 10th या 12th सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपकी परीक्षा पूछी जा रही है कि मेन था कि सप्लीमेंट्री था, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि तीसरे नंबर पर आपका पूछा जा रहा है कि दस्तावेज का प्रकार क्या है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करा लेना है कि आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, कि डुप्लीकेट माइग्रेशन चाहिए, कि करेक्शन मार्कशीट चाहिए, मतलब करेक्शन आपको करवाना है, कि करेक्शन सर्टिफिकेट में करवाना है। तो यहाँ से देखिए आपको मार्कशीट में संशोधन करवाना है, तो उसके लिए आपको मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ नीचे साइड में आपको अपना वर्ष चूज कर लेना है कि किस वर्ष जो है कि आपने पास किया था। तो यहाँ से चलिए जो है कि हम 2020 सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है, और रोल नंबर भरने के बाद यहाँ और लास्ट वाले ऑप्शन पर आपको कैप्चा भर देना है। और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इतना करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इसके आगे कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। वहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह में मांगा जाएगा, आपके मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी वगैरह मांगी जाएगी जिसको कि आपको अपलोड करना होगा, और संशोधन के लिए कुछ चार्जेज भी आपके लगेंगे। तो यहाँ से जब आप सब कुछ प्रोसेस करके आप अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे और उसके बाद फीस लास्ट में जमा कर देंगे, तो उसके बाद जो आपके मार्कशीट है वह संशोधन आपकी कर दी जाएगी और आपको जो है कि 15 से 20 दिन या एक महीने के अंदर जो है कि आपको दूसरी मार्कशीट जो कि संशोधित मार्कशीट रहेगी वह आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है कि आप अगर MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th या 12th की आपकी मार्कशीट में गलती हो गई है, तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप घर बैठे
बैठे ऑनलाइन जो है कि अप्लाई कर सकते हैं अपनी मार्कशीट में करेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।